अभी आपको एक सिस्टम दिखाता हूँ। ये दरवाज़ा मैंने ओपन किया ना, अभी बंद इस तरह से होगा। ये देखें, ये ब्रेक है, इसको थोड़ा सा स्लाइड टच किया और ये जनाब साहब दरवाज़ा बंद। ये देखें, ये वाला गेट खुलेगा। अभी चेक करो यार, मोटू भाई चेक करें, इसने खाले छाले बनाए हुए हैं और पानी भर भर के जो है नहरें चलाई हुई है इसने। हेलो नी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आज जो है हम यहाँ पे हैं बहुत ही खूबसूरत जगह पे, कॉफे सिटी की ओलंपिक सेंटर है मेरे सामने, जो पीछे आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है इसको बोलते हैं ओलंपिक सेंटर। ये बहुत ही प्यारी खूबसूरत बिल्डिंग है इस सिटी का, तकरीबन आप कह रहे हैं कि ये जो है पोर्च एरिया इसको कह सकते हैं। और इसके साथ ये बिल्डिंग है ग्रैंड हयात, जो आपको दो टावर नज़र आ रहे हैं ना, इसमें एक है ग्रैंड हयात और ये काफ़ी बड़ी फेमस बिल्डिंग है इस जगह की। और उसके साथ ही जो है मैं भी इस जगह पे जा रहा हूँ मिक्सी मॉल में, तो वहाँ पे जाना है मैंने, जाके चेक करना है यार कोई सेल शेल लगी हो, कोई पैंट शर्ट ले ले। मैं यहाँ पे ना कपड़े बहुत कम लेके आया था, दो तीन जीन्स थी मेरे साथ, तो अभी मैंने चल के वो देखनी है, अगर कोई सेल लगी तो वहाँ से कोई जीन्स वगैरह पकड़ते हैं। आपको ये प्राडोज भी नज़र आ रही होंगी डिफरेंट कलर्स में, ब्लू कलर हो गया, येलो कलर हो गया, और इस साइड में भी फ्रोजी कलर में, ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रही हैं। आपको इस सिटी के रोड्स वगैरह और बिल्डिंग्स वगैरह देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये जो है पिछले जितने भी सिटी मैं विज़िट कर चुका हूँ उनसे डिफरेंट लग रहा है। इनका बिल्डिंग स्टाइल, रोड, क्लीनलीनेस, हर चीज़, मतलब सफाई शफाई, एवरीथिंग, मतलब एवरीथिंग यार। पहले तो सबसे ये वाला चेक करते हैं ना, ये लेवल जो है, इधर से ऊपर चलेंगे आउटडोर, वहाँ पर ऊपर चलते हैं। यहाँ पर बंदा आके जो है ना, हाँ, इधर बस ये इनके ऊपर बैठ जाए मसाज वाली कुर्सियों पर और इन्जॉय करें। ये हैं जी इसके कुछ लेवल्स। अच्छा जी, इन मॉल्स के अंदर आपको सारे फेमस जितने भी ब्रांड हैं इंटरनेशनल वो आपको मिलेंगे। यहाँ पे आप देखें वो लीवाइस भी नज़र आ रहे हैं, ली, ये चाइनीज़ ब्रांड है कोई। यहाँ पे जी है आइस स्केटिंग एकेडमी, यहाँ पे जो मोस्टली जो है क्लासेस वगैरह होती हैं स्टूडेंट्स की, और वैसे जो है लोग भी पे करके पर डे के हिसाब से जो है घंटों के हिसाब से जैसे नॉर्मल टिकट होती है, और यहाँ पे स्केटिंग वगैरह कर सकते हैं। ये है जी यहाँ पे समथिंग स्पेशल, गाड़ी भाई साहब चेक करें, यहाँ पे फुली इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार की तरह चार्जिंग चल रही है। और ये बैग चेक कर दें इधर इसकी, वाह वही सिंह है, चलिए समा थीम फायदा,什么品牌的？高和。高和。对。Hi-Fi。और ये चेक करें जी इसका, अब इसको मुझे समझ नहीं आ रही इसको खोलना किधर से।它这个发光的按钮按下去就可以。这里。哎对，按下去。哦，nice。अभी इसका जरा चेक करते हैं अंदर से मॉडल। अभी आपको एक सिस्टम दिखाता हूँ। ये दरवाज़ा मैंने ओपन किया ना, अभी बंद इस तरह से होगा। ये देखें, ये ब्रेक है, इसको थोड़ा सा स्लाइड टच किया और ये जनाब साहब दरवाज़ा बंद। उसके बाद ये लेवल है ज़बरदस्त है, बड़ी बिग स्क्रीन है। और ये चेक करें, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है शीशा, ये बैक मिरर है ये, लेकिन यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है जो पीछे से सारा है। और ये चेक करें आप, यहाँ पे पीछे जो है लग्जरी दो बड़ी बड़ी सीट्स हैं, यहाँ पे भी छोटा सा कंट्रोल सेटअप है। थोड़ा सा म्यूज़िक चेक करें इसका वॉल्यूम कैसा है, लेवल का, और क्या सिस्टम है इस गाड़ी का, जितना भी इस गाड़ी का कंट्रोल है यहाँ से सारा टच है। आपने बोनट खोलना है, डिग्गी होगी, डोर हो गए, सारे हो गए इसी जगह से। ये देखें, ये वाला गेट खुलेगा, अभी चेक करो यार, अब इसको दोबारा इधर से ऐसे कर दो दरवाज़ा बंद, क्या लेवल का। नहीं अभी मैं विंडो का जो है ऊपर करता हूँ, ये शीशा चेक करें, ये इधर से सारा कंट्रोल है। सीट में भी आपको यहाँ पे टच ही सारा कुछ अवेलेबल है। और तीसरा ऑप्शन जहाँ पे जो है वो है गाड़ी के अंदर मसाज का, आप मसाज भी कर सकते हैं अपने आप को। तो ये सीट पे जो ऑप्शन है यहाँ पे जी मसाज का, ये वाला, ये मसाज शुरू हो गया अब। तो इस गाड़ी में पहली दफ़ा मैंने देखा है मसाज वाली सीट्स हैं, इधर जो है इलेक्ट्रिक मसाज वाली जो चेयर्स होती हैं बिल्कुल सेम उसी तरह की, लेवल की गाड़ी है यार, बहुत मज़े की गाड़ी थी यार। How are? चलो जी, ये थी गाड़ी हमारी, बहुत लेवल की थी। बाय बाय।
और दूसरा इनका मॉडल जो है ये खड़ा हुआ है, ये थोड़ी सी ये दूसरी फैमिली गाड़ी की तरह है, और ये जो है जनाब सब स्पोर्ट्स कार है। आ गए जनाब वाला यहाँ पे यूनिक्लो, देखते हैं कि 100-100 RMB की जीन्स लगी हुई हो, इससे सस्ती तो यहाँ पे मिलती नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ बजट है। नहीं यार, क्या मतलब जो चीज़ मैंने लेनी है 200 RMB 300 RMB, क्या यार इतने में तो मैं थाओबाओ से पूरी शॉपिंग कर लूँ, जितने के इतने में तो मेरे पूरे कपड़े आ जाते हैं थाओबाओ से 200 RMB में, और इधर एक चीज़ मिल रही है। कैंसिल, प्रोग्राम कैंसिल। और यहाँ पे आप लोगों के लिए एक टिप है कि अगर आप पाकिस्तान से आएँ तो कपड़े वहीं से लेके आएँ, क्योंकि यहाँ से कपड़े बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं, आपको बहुत ज़्यादा चीप पड़ते हैं पाकिस्तान से कपड़े वगैरह, शॉपिंग जो भी है सारा कुछ आपका। तो जनाब यार अभी आ चुके हैं H&M पे, सेकंड फ्लोर पे चलते हैं। तो अभी हम उम्मीद करते हैं यहाँ पे सेल लगी हो और हमें कोई काम की चीज़ यहाँ से मिल जाए। नहीं भाई साहब, इधर तो कोई सेल का, कोई रेड कलर का कोई साइन बोर्ड नज़र ही नहीं आ रहा, तो मेरे तो दिल को कुछ होल पड़ने लग पड़े हैं। कोई बंदा बशर ही नहीं है देखें खाली, इसका मतलब है काम यहाँ पे खतरे में है। करते हैं चेक, बड़ा नाइस सा कलर है। ओए होए होए होए, नहीं नहीं नहीं, ओए होए हो भाई, इनका तो शॉर्ट्स ही अकेले 200 RMB के हैं। तो ये जो खूबसूरत जीन्स आपको नज़र आ रही हैं ये सारी 200 RMB से ऊपर हैं, 250 से ऊपर हैं। तो ये देखें, ये 349 की ये जीन है एक, और उसके अलावा जितनी भी ऑलमोस्ट सेम रेट है इनका, इतना ही है 300-200 से ऊपर। तो फाइनली जो बाहर निकला है, कुछ भी नहीं मिला, 1.5 घंटा खज्जल खुआर होने के बाद इधर उधर कुछ भी नहीं मिला काम का। ओह आ जा नहीं मेरी शहजादी है, चलो चलिए कार होना पा। तो क्या करते हैं यार, पहने रखे हेलमेट या इसको उतार दें? आई थिंक इसको उतार देते हैं, बड़ा गंदा लग रहा है। आ हा हा हा, स्वाद आ गया अभी पार्क के अंदर से। यहाँ से निकले प्राडो को लेके, अपनी प्राडो कम है इनसे, BMW मर्सिडीज से। अभी जो है आपको सिटी का टूर करवाता हूँ, अभी जहाँ जहाँ से मैं गुजरता जाऊँगा आपको इंशाल्लाह जो है दिखाता जाऊँगा सिटी का, कि किस तरह का सिटी है ये, कितना प्यारा है और ये ज़बरदस्त। ये नाइट जो है यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं ये सारे जो आपको नज़र आ रहे हैं, जो रात के टाइम यहाँ का मंजर होता है ना, ओए होए होए, बहुत ही कमाल का होता है यार। इसका मैंने बोला था धो के खड़ी कर दो, ये बाहर लेके घूम रहा है। वाह, ये चेक करें जरा आप, बिल्डिंग का डिज़ाइन चेक करें यार, कमाल नहीं हो गया, क्या आर्किटेक्चर है, लेवल है, बहुत ही प्यारी बिल्डिंग्स है। अभी जो है आपको बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग दिखाने जा रहा हूँ, और वो है ये सामने वाली बिल्डिंग। हा हा हा, इसको मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ यार, ये देखे ना जो अभी बिल्डिंग, वो दुबई की एक बड़ी सारी बिल्डिंग न्यू बनी हुई है, उसका नाम पता नहीं क्या है, ये थोड़ा सा उसकी तरह लुक देती है ये वाली बिल्डिंग। और इस जगह पे है जी स्वान लेक, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी बहुत ही प्यारी लेक है। अभी अपनी प्राडो को लगाना है साइड पे, प्राडो को अभी लॉक नहीं करना, लॉक किया तो फिर जो है दोबारा से पैसे भरने पड़ेंगे, इसको इधर ही छोड़ देते हैं, कोई भी नहीं इसे खींच के लेके जाएगा, मेरा पैकेज लगा हुआ है, 2 दफ़ा दिन में खोल सकते हैं इसको, ऐसे ही खड़ी कर देंगे। हाँ हाँ हाँ, ये चेक करें ज़रा, ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इधर से ऐसे सीधा बैक उस साइड पर जाएँ तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, और ये वाला इलाका भी जो है पोर्स इलाका, ये फुल मलाई जिसे बोलते हैं खफे की। अभी इधर ज़रा आर्टिफिशियल बीच का नज़ारा लेते हैं, ये आर्टिफिशियल बीच ही बनाया हुआ है, देखें आप ज़रा, सारी सैंड है इस जगह पे, समझ ले बीच है, पूरा बीच बना हुआ है कि नहीं। आज धूप निकली है काफ़ी दिनों के बाद, तो बहुत ज़्यादा रश है इस जगह पे। और ये है जी सामने लेक, मेरा फ्लैट उस जगह पे है, वो बिल्डिंग के बिल्कुल सामने, वो जो बड़ी आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है उसके सामने। तो आप बताएं कमेंट करके कि आपको ये वाला सिटी किस तरह का लग रहा है, एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ जो आपने मेरे अगर ब्लॉग वगैरह चेक किया हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना डिफरेंट है दूसरे सिटीज़ से। अभी जो है हम यहाँ पे समंदर पे भी पहुँच चुके हैं आर्टिफिशियल समंदर पे, ये है जी बना हुआ थोड़ा सा, बिल्कुल वही है मतलब बीच की तरह। मोटू भाई चेक करें, इसने खाले छाले बनाए हुए हैं और पानी भर भर के जो है नहरें चलाई हुई है इसने, लेवल का यार फन है, लॉट ऑफ फन। चौधरी जो है बाल्टी में पानी भर के उसके अंदर मिट्टी फेंकी जा रहा है, सेफ्टी का भी पूरा इंतज़ाम है सारा, लेवल का यार, मज़ा आ गया, सारा कुछ ही है इधर। ये क्यूट सी बच्ची को देखें, चाइनीज़ को, चाइनीज़ बच्चे एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा क्यूट होते हैं। नी हाओ शाओमिनी,
Hello. Ni hao. Ni hao. Ni hao. कितने की ऑर्डर? 25000. हां, पाकिस्तान. हम्म. 5000. तो जोंग पाई हुई. 5000. 5000. ये कौन सी बिल्डिंग है? इसका नाम मुझे नहीं पता अभी वैसे. ये चाइनीज लोग इस तरह जो है मोस्टली संडे अपना गुजारते हैं. ये फैमिलीज वाले जो हैं बच्चों के साथ इधर आ जाते हैं बाहर, और फिर सारा दिन ऐसे गुजारा, खाया पिया, घूम फिर के चले गए. ये जनाब साहब ने महल बनाए हुए हैं, ये चेक करें जबरदस्त. ये चौधरी के महल चेक करें, वाओ. हेलो, नी हाओ, नी हाओ शाओ भंग याओ. तो भाई साहब यहाँ पे बहुत ज्यादा घूम लिया, और अभी जो है पराडो पकड़ते हैं. पराडो मैंने लॉक नहीं की, वो वैसे के वैसे ही वहाँ पे खड़ी हुई है. तो अभी जो है चलते हैं घर पे. तो यहाँ पे जो है जी बोटिंग वोटिंग का भी सीन वगैरह है, कश्तियाँ वगैरह खड़ी हैं इधर. वो बड़ी कश्ती है, छोटी भी साथ उसके खड़ी हैं. मौसम तो बहुत ही कमाल का, और बहुत आबो हवा आज बड़ी साफ साफ सी नज़र आ रही है. चलो जी, अभी आप चेक करें, मैं झील के उस साइड से इस साइड पे आ चुका हूँ. अभी इस साइड से वो वाला व्यू बहुत ही लेवल का लगता है, बिल्डिंग्स और ये वो एवरीथिंग. ये जो सेंटर वाला ये वाला एरिया, ये भी बहुत ही खूबसूरत है. तो फाइनली जो है हमारा टूर ये वाला आज का कंप्लीट हुआ, और अभी जो है मैं घर में जाऊंगा. आज के जो व्लॉग है हम यहाँ पे खत्म करेंगे, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. बाय बाय.